मोस्टली मैंने ऑलमोस्ट सभी हिमाचल में एक्सप्लोर कर दिया है साइकिलिंग के माध्यम से। तो मेरी मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे जो हाईएस्ट पीक है शिकारी देवी, वो रह गई थी कवर करने के लिए साइकिलिंग के माध्यम से। 2020 में मैं कमरू नाग जी को कवर कर चुका हूँ नवंबर महीने में, जबकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो मैंने 5:20 पे मंडी से शुरू किया था अपनी एक्सपेडिशन को। मंडी से लेके बग्गी तक मेरे को घना कोहरा मिला और बहुत टफ था कोहरे में साइकिल चलाना, पर फिर भी मैंने उस चैलेंज को पूरा किया और अप्रॉक्सीमेट कोई 7:20 पे मैं चैल चौक पहुँच गया था। वहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। आधा घंटा वहाँ रुकने के बाद मैंने अपनी जो नेक्स्ट मेरा चैलेंज था वो देवीदड़ पहुँचना था। लगभग कोई 11:15 के आसपास मैं देवीदड़ पहुँच गया था। तो वहाँ पे 20 रुकने के बाद मैंने अपना वहाँ हल्का फुल्का लंच लिया और वहाँ से जो सबसे टफेस्ट टास्क था वो था शिकारी देवी को क्लाइम करना। 8 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई और पथरीला रास्ता, जो कि शायद साइकिलिंग के माध्यम से भी पूरा नहीं किया जा सकता, इतना टफ रास्ता था वो। फिर भी मैंने उसको पूरा किया और लगभग 3.5 घंटे के बाद मैं 3:15 के आसपास शिकारी देवी प्रांगण में पहुंच गया था और वहां मैंने शिकारी माता का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी इस यात्रा को सुखद बनाया। एक घंटा समय व्यतीत करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, मैंने अपनी वापसी की यात्रा 4:30 शुरू की और लगभग 1 घंटे के बाद मैं देवीदड़ वापस पहुंच गया था। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तो 6:00 मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मंडी के लिए और 8:25 पर मैं मंडी पहुंच गया था। मेरे जो वहाँ मैंने पहुँच के देखा, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने वहाँ पे डस्टबिन वगैरह सभी जगह स्थापित किए हुए हैं, पर लोग और जो यात्री वहाँ पे आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पे मिनरल वाटर्स की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स के रैपर्स वो इधर उधर फेंके हुए थे। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस जगह पर आएँ, हिमाचल में वो कहीं भी जाते हैं, एटलीस्ट वो गंदगी ना फैलाएं वहाँ पे, जो वेस्ट है वो अपने साथ वापस ही लाएं, क्योंकि इतनी हाइट पे सफाई करने वाला कोई भी नहीं रहता जो उसको साफ़ करे। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि इसको हम ही इसकी टेक केयर करें।